क्योंकि बहुत सारे लोग रामलीला मैदान में ऐसे लोग आंदोलन करके गांव रिटर्न हो गए जो समय से पहले कर चुके थे वो, और पुलिस ने जेल में बंद करके बाहर भेज दिया, और बहुत सारे लोगों को तो सलवार फारो पहन के महिलाओं का ड्रेस पहन के भागना पड़ा दिल्ली छोड़ के। तो मैं ऐसे प्रोफेसर माननीय दिग्विजय सिंह का स्वागत अभिनंदन करता हूं, और हमारे मंच पे अध्यक्षता कर रहे जिनके नेतृत्व में वो कुशलता है, वो काबिलियत है, क्योंकि कौन व्यक्ति कितना विद्वान है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, वो अपनी विद्वत्ता को, अपनी काबिलियत को दूसरे लोगों में कितनी डालने में सक्षम है, अपने ज्ञान को दूसरे के अंदर आरोपित, विरोपित, रोपित करने में कितना सक्षम है, नेतृत्व की ये काबिलियत है। और निश्चित रूप से दिल्ली के उन समस्त कार्यकर्ताओं को जो लाल वर्दी पहन के घूम रहे हैं, ये साधारण कोई कार्यकर्ता नहीं है, अगर कोई साधारण समझता होगा तो भूल में है, ऐसे कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे, हमारी अध्यक्षता कर रहे माननीय राजेश कुमार मौर्य जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं, और उन समस्त कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके हौतातम पुरुषार्थ से, जिनके मेहनत से और कार्यकुशलता से आज एक से एक आदमी जुड़ते जुड़ते आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन जहां पूरा आधा भारत किसी अलौकिक देवी के सामने, काल्पनिक देवी के सामने घुटने टेक रहा होगा, उस अंधविश्वास से मुक्त करके एक प्रज्ञापूर्ण विश्वास के लिए एक ऐसे हाल में इकट्ठा हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, इनके अभिनंदन के काबिल हैं वो लोग, और हम सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं इस कार्यक्रम में आए हैं, उन कार्यकर्ताओं का निश्चित रूप से कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उनकी ही मेहनत के बदौलत आज हम इतने सारे भाइयों को एक साथ बैठकर इस अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला है। सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी माताओं बहनों का अभिनंदन स्वागत करता हूं, और आज का वक्तव्य मैं अपनी वही पुरानी तरीके से बोध कथा से शुरू करता हूं, क्योंकि बोध कथाएं अपने आप में कुछ होती नहीं है, बोध कथाएं अपनी कल्पना से बनाई जाती हैं। बोध कथा उसे कहते हैं जैसे किसी की बुद्धि खुल जाए, जैसे आप ताली बजा रहे थे, तो ताली दो तरह की होती है, एक ताली तो वो होती है जो घर के बंद दरवाजे को खोलती है, और दूसरी ताली वो होती है जो बंद दिमाग के दरवाजे को खोलती है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसी ताली बजाएं जिससे यहां बैठे सारे लोगों का ब्लू आन हो जाए, क्योंकि जब तक ब्लू आन नहीं होगा तो कितना भी बढ़िया आकाशवाणी से कार्यक्रम आए, लास्ट में लोग यही बोलेंगे सितवा के कर बाप, तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक भी शब्द आपके ब्लूटूथ से होकर जाए, उसके बाहर से ना जाए, और ये इसी ब्लूटूथ के रूप में सम्राट अशोक ने 84,000 शिलालेख और स्तंभ बनवाया, लाट बनवाया। आज जब इस देश में लाट थे तब हम सम्राट थे, आज लाट नहीं तो सम्राट नहीं। तो आज मैं इसी बोध कथा शुरू करूंगा अपनी बातें। एक पंखा बेचने वाला था सौदागर, वो गांव गांव गली गली घूम के पंखा बेचता था, और वह पंखा बेचते बेचते एक बार उस शहर के सम्राट के पास गया, उस एरिया के सम्राट के पास गया, और वो पंखा बेचता था तो चिल्लाता था, कहता था ले लो पंखे, ले लो पंखे, 100 साल चलेंगे पंखे, कभी नहीं टूटने वाला पंखा है ये, 100 साल तक चलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। इस बात को सम्राट ने भी सुना कि भाई कैसा ऐसा पंखा है जो 100 साल चलेगा, टूटेगा नहीं। सम्राट ने अपने प्रतिवेदक को बोला कि जाओ जो पंखा पंखा चिल्ला रहा है उसे दरबार में ले आओ। जब दरबार में लेकर पंखा वाला आया तो सम्राट ने पूछा कि तेरे कहीं कैसे पंखे हैं, बोला जहां अपना ये पंखे 100 बरस चलेंगे इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं। तो बोला कुछ सम्राट को तू बेवकूफ समझता है, किसके सामने तू झूठ बोल रहा है, तुझे पता नहीं है।
बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जहां पना ये 100 साल चलेंगे, ये पूरी की पूरी गारंटी है। तो बोला ठीक है, जबकि सम्राट को पूरा भरोसा था कि 100 साल नहीं चलेगा, फिर भी तू कह रहा है तो तेरी बात मैं मान ले रहा हूं, जितनी कीमत लेना हो ले, पंखा रख दे, एक हफ्ते बाद तू जरूर यहां आना, एक हफ्ते बाद लौट के दोबारा आना। राजा ने पंखा खरीद लिया, राजा को पूरा भरोसा था कि वो ठग के चला गया है, दोबारा आएगा नहीं वो, लेकिन वो सही एक हफ्ते पर आया और एक हफ्ते में पंखा टूट गया था, एक दो बार हिलाया पंखा टूट गया, तब तो राजा को और भरोसा हो गया कि वो तो पक्का नहीं आएगा, लेकिन आया समय से। वो बोला जहां पना आपने 7वें दिन बुलाया था, मैं हाजिर हो गया। बोला तू मुझे ठग कर चला गया था, देखिए तेरा पंखा टूट गया है। कैसे टूट गया, मैं तो बड़ा आश्चर्य हो गया, ये 100 साल चलने की पूरी गारंटी थी, हमारे पूर्वजों ने चलाया है, आपसे कैसे टूट गया, इसका मतलब आपको पंखा झलने नहीं आता, इसका मतलब पंखा झलने नहीं आता। बोला क्या बोल रहा है तू, सम्राट को पंखा झलना सिखाएगा, इतना बड़ा देश मैं चलाता हूं और पंखा झलना मुझे तो सिखाएगा। बोला हां सम्राट, आपको पंखा झलने नहीं आता। बोला कैसे डोलाते थे बताइए, तो बोला ऐसे ऐसे डोलाते थे। बोला बस यही चूक हो गई ना आपसे, आपने पंखा तो खरीदा लेकिन चलाने की विधि आपने नहीं पूछा हमसे, चूक आपसे हुई है, चूक मुझसे नहीं हुई। बोला कैसे चलाना था, बोला पंखा को स्थिर रखना था और सर हिलाना था। पंखा को स्थिर रखना था, सर हिलाना था, आपने ठीक से चलाया नहीं, और कहते हैं पंखा ही गलत है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक पंखा दिया था संविधान के रूप में, 100 साल चलेगा, इससे लोक कल्याण होगा, लेकिन सम्राट को पंखा झलने आता ही नहीं, झलने आता ही नहीं, बदलना खुद को था, हिलाना खुद को था, परिवर्तन खुद को करना था, और इस संविधान बदलने चल पड़े हैं। बदलना खुद को है, परिवर्तित खुद को होना है, और ये खुद को न बदलकर कहते हैं संविधान ही गलत है, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। इस संविधान की समीक्षा करने वाले लोग क्या कभी खुद की समीक्षा किया, तो कहीं ना कहीं खुद की समीक्षा और खुद की परिवर्तन और सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है। सम्राट अशोक का आंदोलन खुद से शुरू होता है। सम्राट अशोक के धम्म में और बुद्ध के धम्म में थोड़ा सा फर्क आपको लगेगा, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वह व्यक्ति के विकारों को निकालता है और व्यक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। बुद्ध का धम्म व्यक्ति के विकारों को निकालता है और सम्राट अशोक का धम्म राष्ट्र के विकारों को निकालता है, राष्ट्र के विकारों को निकालता है। इसलिए जब जब समाज भटक जाए उस समय सम्राट अशोक के धम्म की आवश्यकता इस देश के रहनुमाओं को होगी, आज भी है, लेकिन हम अपना सर नहीं हिलाना चाहते, हम तो पंखा हिलाने वाले लोग हैं, हम खुद बदलना नहीं चाहते, हम दुनिया को बदलने चले हैं। तो सम्राट अशोक का आंदोलन ही खुद से शुरू होता है और यहीं से वो विषय स्टार्ट होता है, सांस्कृतिक भूमंडलीकरण, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। आपने बहुत सारा प्रवचन सुना होगा संत महात्माओं का, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, कहते हैं लोग सिर्फ करते नहीं। अशोक की खासियत सिर्फ यही है कि अशोक ने जिस विषय को छुआ उसकी हद पार कर दी, यही खूबी है। मैंने जहां तक परखा उन्हें, मैंने देखा कि जिस विषय को अशोक ने छुआ उसकी हद पार कर दी उन्होंने। जब मगध की सत्ता पानी थी तो अपने ही भाइयों से जो अयोग्य थे शासन चलाने में, अपने ही भाइयों से जो संघर्ष का हद पार करना पड़ा, संघर्ष की जो पराकाष्ठा पार करनी पड़ी, उसको पार करके भी उन्होंने सत्ता प्राप्त की, मगध की सत्ता प्राप्त की, इस विषय पे उन्होंने हद किया। और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, उनके पिता बिंदुसार के बाद, जब फिर मगध साम्राज्य को एक कुशल नेतृत्व की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने
अपने भाइयों की के साथ संघर्ष किया और इस देश को एक कुशल नेतृत्व दिया। अगर शायद अशोक जैसा कुशल नेतृत्व न मिलता तो शायद हम आज यहाँ इतने लोग इकट्ठा न होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। इतने बड़े भारत को जब बृहत भारत से बृहत्तर बनाना हुआ तो कलिंग की जो विजय अशोक ने की, जिसको चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने भी नहीं जीता, छोड़ा था, उसको भी सम्राट अशोक ने कलिंग की विजय की। और उस विजय में जितनी हिंसा की हद पार की उन्होंने, शायद अब तक पूरे इतिहास में कोई भी इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ जिसमें अनुपातिक तौर पर इतनी ज्यादा हिंसा हुई हो। मैंने हिंसा की हद भी उन्होंने पार की, और हिंसा की हद को जब पार किए तो विजय हासिल की। और विजय हासिल करने के बाद क्या घटी घटना, दुनिया के सारे सम्राट विजय करने के बाद जश्न मनाते हैं। संवेदना देखिए अशोक की, दुनिया की सारे सम्राट विजयों के बाद युद्ध परांत जश्न मनाते हैं, लेकिन सम्राट अशोक मातम मना रहे हैं। कैसी विजय है ये, जहां जश्न का नृत्य का तांडव होना चाहिए वहां पर मृत्यु का मातम मन रहा है। क्यों हो रहा है? अशोक को इतने बड़ी विजय पर खुशी हासिल होनी चाहिए। इस विषय को छुआ था डॉक्टर साहब ने, मातम मनाया। वो मातम सिर्फ इसलिए बनाया कि सम्राट अशोक संवेदनशील थे। अगर असंवेदनशील होते तो शायद वो भी वैसे ही राजा होते जो उनके पूर्व राजाओं ने किया था, लेकिन संवेदनशील थे। उन्होंने उस मानवीय संवेदना को समझा। जब एक औरत कराहती हुई सामने आई, एक बच्चा बिलबिलाते हुए जब सामने आया, एक बूढ़ा बेसहारा दिखा अपने बेटे के अभाव में, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति की जब हत्या होती है तो कितने लोग प्रभावित होते हैं उससे, कितने लोग प्रभावित होते हैं, उसके रिश्तेदार, उसके चाहने वाले, उसके धर्म के अनुयायी, उसके संप्रदाय के अनुयायी, उसके जिस विभाग में नौकरी करता होगा उस विभाग के लोग, यानी कितने लोग सिर्फ एक अहिंसा से प्रभावित होते हैं। इतनी गहराई से सोचा अशोक ने। तो इतनी गहराई से सोचने वाला राजा निश्चित रूप से जश्न नहीं, मातम मनाएगा। और मातम मना के संतुष्ट नहीं हो जाते, मातम ही मना के संतुष्ट नहीं हो जाते। इस मातम का प्रायश्चित क्या होगा, क्या करना होगा ताकि इस जनता के ऋण से मैं उऋण हो सकूं, इसके लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने रणभेरी को बंद किया और धम्म भेरी का धम्म घोष करते हुए, धम्म विजय का ऐलान करते हुए लोक कल्याण की ठान ली। लोक कल्याण की जब ठानी वहां भी हद कर दी, ऐसी हद की कि जनता का नैतिक और आध्यात्मिक इतना उत्थान किया, इतना विकास किया कि देवता और मनुष्य एक हो गए। देवता और मनुष्य एक हो गए, जो किसी से आपस में मिल नहीं सकते थे, बड़े लोग छोटे लोग से मिल नहीं सकते थे, छोटे लोग बड़े लोगों के साथ रह नहीं सकते थे। ऐसा सामाजिक वातावरण बनाया कि बड़े लोग और छोटे लोग समता समानता के विचारों के संवाहक हो गए, और धरती पर जो देवभूमि कही जाती है वास्तव में सम्राट अशोक का शासन काल ही देवभूमि कहने लायक है। वो सब तो कल्पनाएं हैं जो सुनते हैं आप, लेकिन कल्पना नहीं है, इतिहास है। इतिहास उसे ही कहते हैं जैसा निश्चित ही ऐसा हुआ है, उसे इतिहास कहा जाता है। ऐसा काम अशोक ने किया। धर्म और संस्कृति को जब छुआ वहां भी हद की उन्होंने, वहां भी हद की। हद का मतलब जो कोई ना कर सका, वो संस्कृति। सम्राट अशोक के सारे कार्य का सबसे महत्वपूर्ण जो तो कार्य था संस्कृति का आंदोलन। और संस्कृति की परिभाषा क्या होती है, एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं, लोक भाषा में। इस बात को प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी से बताया था। संस्कृति का स्वाभाविक जो अर्थ होता है, ये तीन शब्द एक साथ आते हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति उसे कहते हैं कि हमें भूख लगी है तो मुझे रोटी चाहिए, तो अपने भूख के लिए रोटी का इंतजाम किया मैंने और मैंने खा लिया, तो अपनी भूख मिटाने के लिए जो रोटी पैदा की जाती है प्रकृति है, क्योंकि हर जानवर करता है,
हर इंसान करता है, अपने पेट की भूख के लिए रोटी पैदा करता है और अपने हिस्से की खाता है। तो प्रकृति वो है जो अपने हिस्से की खाए, और विकृति उसे कहते हैं जो अपना तो खा ही रहा है दूसरे की छीन के भी खा लेता है। अपना हक तो खा ही रहा है दूसरे की भी छीन के खाता है, उसे विकृति कहते हैं। और संस्कृति, अपना खा रहा है तो आधी रोटी अपने खाया और आधी रोटी अपने पड़ोसी को दे दिया, यही संस्कृति है, यही संस्कृति है। और हम ऐसी ही संस्कृति के संवाहक हैं, ऐसी ही संस्कृति के प्रवर्तक हैं। हम ऐसी संस्कृति के विध्वंसक कभी नहीं हो सकते। और आज अगर ऐसा वातावरण नहीं है समाज में, लोग दूसरे के अधिकार को हनन करने में लगे हैं, दूसरे की रोटी खाने में लगे हुए हैं, अपनी माँ बहन को माँ बहन समझते हैं और दूसरे की माँ बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, ये क्या देवी देवताओं का देश हो सकता है? ये संस्कार कहाँ से आए? तो निश्चित रूप से हमने सम्राट अशोक की महान संस्कृति को हमने भुला दिया। तो जो संस्कृति को भुलाएगा वो विकृत तो हो ही जाएगा, वो विकृत तो हो ही जाएगा। उसी को भुलाने का ये साइड इफेक्ट है जो आज जो देश में वातावरण रोज पेपर अखबारों में देख रहे हैं, अपने पूर्वजों को भुलाने का नतीजा है। जो सील को भूल जाएगा वही तो अश्लील हो जाएगा, जो सील को भूलेगा वही अश्लील हो जाता है। और आज मीडिया से लेके, अखबार से लेके, गायक से लेके, लेखक से लेके, जो समाज को दिशा देते हैं, आज वो सीलवान नहीं बल्कि सब के सब अश्लील हो गए हैं। और उसी वातावरण में हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो रोड पर निकलकर अपनी माँ बहनों को माँ बहन नहीं समझते हैं, उसी संस्कारों का नतीजा है। तो जो मीडिया के माध्यम से आप लोग जो देख रहे हैं, अखबार और मीडिया, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे समाज की पूरी नकारात्मक चीजों को दिखाने का ठेका ले लिया है। एक चोर नेता हो जाता है उसको पूरे देश में दिखाया जाता है, और एक अच्छा नेता होता है उसको कहीं दिखाया नहीं जाता। क्योंकि आज भी हम ये मानने को तैयार हैं कि एक भी व्यक्ति अच्छा आदमी नहीं है, सब के सब चोर हैं। क्यों चोर मानते हैं? क्योंकि जब अपने घर में हम ताला लगाते हैं तो किसके डर से लगाते हैं? कि मैं तो इस गांव में एक अच्छा आदमी हूं, मेरे पड़ोसी सब चोर है, पता नहीं कौन चुरा लेगा, तो मैं उस पड़ोसी के डर से ताला लगाता हूं। अब मेरा पड़ोसी जो घर में ताला लगाया वो भी यही सोच के लगाया है कि मैं तो अच्छा आदमी हूं, गांव के सब चोर है, कौन चुरा लेगा, तो पड़ोसी मुझसे डर रहा है और मैं पड़ोसी से डर रहा हूं। पूरा गांव ईमानदारों का गांव है और सब चोरों से डर रहे हैं, पता नहीं कौन चोर है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा गांव चोर है, खुद को चोर मानने को तैयार नहीं है। तो सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है, सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है, अंतःकरण का परीक्षण। कहते हैं कि खुद को जांच ना, अगर तूने शराब पी है तो तुझसे बढ़िया कौन जानता है, इसमें किस गुरु की जरूरत है? किसी भी आसाराम बापू की जरूरत, क्योंकि जो खुद ही इतना पवित्र है वो दूसरों को क्या पवित्र बनाएगा। अभी मैं गोरखपुर जा रहा था, एक मैं ऊपर सीट पर बैठता, एक आदमी नीचे सीट पे, उसने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि वो सही है, गलत रिपोर्ट है, इसकी क्या गारंटी है कि सही रिपोर्ट दी जा रही है? तो हमने कहा ये तो गारंटी तभी दी जा सकती है, आपके बेटी पर गुजर जाएगा तब पता चलेगा कि सही है, क्योंकि तभी प्रूफ आपको सही पता चलेगा। क्योंकि पड़ोसी के घर अगर चोरी हो गई और उसका पड़ोसी सजग नहीं हो गया, इसका मतलब गांव मुर्दों का गांव है। पड़ोसी के घर चोरी हुई, मेरे घर नहीं ना हुई है, मेरे घर होगी तो मैं कल देखूंगा। तो सजग वही होता है जो पड़ोसी घर चोरी हो और सजग हम हो जाए कि हमें कैसे रहना चाहिए। तो सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है, अंतःकरण का परीक्षण। तू खुद जांच ना, अगर गलती किया है तो तुझसे बढ़िया कौन जानता है, किससे छुपा रहा है? तो अशोक ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस काम को क्षेत्र में बांधा जाए कि ये काम किसी भारत के लिए है, ये काम पाकिस्तान के लिए है, ये काम किस देश के लिए है। वो काम जिन्होंने सारा सारा काम किया वो सारा काम एक व्यक्ति के लिए है, एक लोक कल्याण के लिए है। एक पेड़ अगर आपने लगाया तो लगाया आपने भारत में, आपको लगता होगा कि ये भारत का पेड़ है, लेकिन वो पेड़ भारत का हो सकता है लेकिन उसमें निकली हुई ऑक्सीजन वो भारत का नहीं हो सकती, पूरी दुनिया की है वो। अगर उस पेड़ से ऑक्सीजन निकल गई वो पाकिस्तान की भी है,
भले आपकी लड़ाई होती हो उससे, गोलियां चलती हो उससे, लेकिन आपका पेड़ कभी नहीं कहता कि पाकिस्तान ये भारत की ऑक्सीजन है इसे तू मत लेना, ये कभी नहीं कहता। अशोक का आंदोलन यहां से शुरू होता है, पूरी वसुधा के लिए शुरू होता है। इसीलिए उन्होंने लिखा, इसीलिए जब उन्होंने कहा कि संस्कृति के क्षेत्र में जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो पराकाष्ठा की हद कर दी उन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में भी, और ऐसी पराकाष्ठा की, धम्म दानंग सब दानंग जीनाति, धम्म का दान सबसे दुनिया का सबसे बड़ा दान है, और यह धम्म का दान पूरे विश्व को दिया जाए ये कैसे संभव है। तो सम्राट अशोक ने इस दान करने की परंपरा में भी पराकाष्ठा का दान कर दी। लोगों ने धन का दान किया हो, पैसे का दान किया हो, समय का दान किया हो, लेकिन सम्राट अशोक ने तो बेटा और बेटी को दान किया धम्म के लिए। यहां भी पराकाष्ठा पार की, यहां भी पराकाष्ठा हो गई, हद कर दी। तो हद की कोई सीमा नहीं है। अब अपनी समीक्षा करिए कि आपके पूर्वजों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। तो आपके साथ जो भी हुआ है, आपकी अगर दुर्दशा है तो उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि तथागत कहते हैं अताहि अतनो नाथो कोहि नाथो पड़ोसिया। आप अपने मालिक हो। अगर आपकी दुर्दशा है तो इस दुर्दशा के लिए पड़ोसी दोषी नहीं है। अगर कल दशा सुधरेगी तो इसमें भी पड़ोसी नहीं, आपकी खुद की भूमिका होगी, प्रयास खुद को करना पड़ता है। इसलिए इसका भी बड़ा दान किया, और बेटा बेटी को तो भेजा ही। कहां भेजा? श्रीलंका। श्रीलंका जो कभी धम्म का दान लेकर, धम्म का ज्ञान लेकर महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे, आज हम सारे लोगों का सौभाग्य है कि श्रीलंका से पुनः धम्म का ज्ञान लेकर पूज्य भंते शिवली आज हमारे बीच आए हुए हैं, और आज इनकी अमृत वाणी को हम सारे लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा। मैं भी बोलना नहीं चाहता, मैं भी सुनना ही चाहता हूं। तो ये इतनी बड़ा, तो पूरे भिक्षु विद्वानों का, विद्वान भिक्षुओं का बड़ा बड़ा टीम महान सम्राट अशोक ने बनवाया, और दुनिया के सारे देशों में, कौन से देशों में, अगर उनको लगता कि श्रीलंका मेरा देश नहीं है, उनको लगता श्याम मेरा देश नहीं है, यूरोप मेरा एरिया नहीं है, यूनान मेरा एरिया नहीं है, अगर उनके मन में ये बात होती तो इतनी बड़ी बड़ी मिशनरियां वो उन देशों में कैसे भिजवाते। तो उन्होंने लिखा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। अगर समस्त प्रजा हमारी संतान है तो समस्त प्रजा जहां रहती है सारा परिवार हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम के जनक तो सम्राट अशोक हैं। दुनिया के लोग तो सिर्फ कहते रहे उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जिन लोगों ने अपने भाइयों को ही छूत बनाया, अछूत बनाया, तेरा छुआ नहीं खाएंगे, तू नीच है, तो जो अपने ही भाई को भाई मानने को तैयार नहीं वो पूरे वसुधा को परिवार बनाएगा, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है और कागज पर लिखी हुई चटनी है जो चाटने से स्वाद मिलने वाला नहीं है, वो ख्याली पुलाव है। लेकिन सम्राट अशोक की बातें ख्याली पुलाव नहीं है, उन्होंने जो कहा वो किया, और उसका रिजल्ट आज भी आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि गदा से हनुमान जी लड़ाई कर सकते थे तो हम नहीं कर सकते, जो अशोक ने किया वो हम भी कर सकते हैं, जो बुद्ध ने किया वो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो सम्राट अशोक की मोनोपोली थी, तथागत की मोनोपोली थी। अगर तथागत बुद्ध हुए तो आप भी बुद्ध हो सकते हैं, अगर सम्राट अशोक विश्व विजेता हुए तो आप भी सम्राट अशोक विश्व विजेता हो सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि जिस मार्गों का अनुसरण और अनुकरण उन लोगों ने किया उसी मार्गों का अनुसरण और अनुसरण हम लोगों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ये सूत्र है तो रटने से हल नहीं होगा, उसमें मान रखना पड़ता है। ए का मान रखना पड़ता है, बी का मान रखना पड़ता है, दोनों का जब मान रखते हैं तब उत्तर निकलता है। तो सम्राट अशोक ने शिलालेखों में सूत्र लिखवाया है, तथागत बुद्ध ने धम्मपद में अपना सूत्र लिखवाया है। अब मान रखे हम तो रिजल्ट मिलेगा हमें, मान नहीं रखेंगे हम तो रिजल्ट भी हमें मिलने वाला नहीं है। यहां बुद्ध की पूजा करने से आपका कोई कल्याण होने वाला, नाव को अगर बत्ती दिखाएंगे तो पार उतरने वाले नहीं है, पतवार तो आप ही को चलाना होगा। सही तरीके से चलाएंगे तो सही जगह पहुंचेंगे, गलत तरीके से चलाएंगे तो गलत जगह पहुंचेंगे। इसमें न नाव का दोष है न पतवार का दोष है, यात्रा के मालिक तो आप हैं, किसी किस्मत का काम नहीं है ये। तो इतने बड़े पूरे दुनिया में अपने बेटा बेटी विद्वान भिक्षुओं को पूरे दुनिया में भेजा, और भेजकर पहली बार संसार में कल्चरल ग्लोबलाइजेशन यानी वसुधैव कुटुंबकम की सोच को धरातल पर पहली बार सम्राट अशोक ने उतारा है, उसके पहले और आज तक किसी ने सोचा नहीं।
इतनी बड़ी थीम, और आज भारतवर्ष में सम्राट अशोक को सिर्फ जनरल नॉलेज की सामग्री समझ के पढ़ा जाता है, सामान्य ज्ञान, क्योंकि आईएएस की परीक्षा देना है तो प्राचीन इतिहास से पूछा जाएगा, इसीलिए अशोक को हम जनरल नॉलेज के तौर पर पढ़ते हैं, इस देश की समस्या का समाधान के माध्यम से या उसके फार्मूले के रूप में नहीं पढ़ते, हम सोचते हैं जनरल नॉलेज की सामग्री है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा इसलिए मुझे पढ़ना जरूरी है। हमारे जीवन को संवारने में अशोक की क्या भूमिका है, इस तरह से मूल्यांकन कभी अशोक का हुआ ही नहीं, इसलिए इतना बड़ा किया। और आज और इतने बड़े बड़े काम जो अशोक ने किया, इसलिए नहीं किया कि यश कीर्ति फैल जाए हमारी, संसार में अशोक का नाम हो जाए, यश कीर्ति को भी महान सम्राट अशोक कुछ नहीं समझते थे। वो कहते थे कि जो कुछ मैं कर रहा हूं लोक कल्याण के लिए, वो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यश कीर्ति मेरी फैल जाए संसार में, इसलिए कर रहा हूं कि जब मुझे करता हुआ देखेगी जनता तो वो भी हमारा अनुकरण करेगी, क्योंकि जिस देश का राजा चोर हो, भ्रष्ट हो, उस देश की आम जनता को बहुत देर तक ईमानदार रखा नहीं जा सकता, और जिस देश की जनता भ्रष्ट हो वो एक ईमानदार नेता भी पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि इस देश की जनता भी उसी को वोट करती है जो पाउच बंटवाता है, जो शराब बंटवाता है, मुर्गा खिलाता है, तो सारा दोष संसद भवन में ही नहीं है, दोष उस कोख में भी है जहां से ये नेता पैदा होते हैं, और वो कोख आम जनता है, इसी से पैदा होकर हमारा भाई, हमारा भतीजा, हमारा बाप, हमारा रिश्तेदार इसी कोख से पैदा होकर संसद में जाता है, संसद में नेता पैदा नहीं होते, इकट्ठा होते हैं, वो मात्र गोडाउन है जहां इकट्ठा होते हैं, आप गोडाउन हो तो सिंपल है, थोड़े थोड़े लोग ये अच्छे लोगों में से छाट के अच्छे लोग संसद में बैठे हैं, तो जब अच्छे लोग इतने बुरे हैं तो बुरे लोग कैसे होंगे, जब सैंपल ऐसा है तो गोडाउन कैसा होगा, तो सारा दोष संसद में नहीं है, दोष संसद में पहुंचाने वाले लोगों में भी है, अपनी कमी को स्वीकार करिए, और संविधान के जो संरक्षक नहीं है, जो संविधान के विरोधी हैं, जो संविधान राष्ट्रीय प्रतीकों के विरोधी हैं, ऐसे लोगों को संसद में पहुंचने से भी रोकिए, नहीं तो अभी और देश में बहुत कुछ होने वाला है। इसीलिए अशोक ने कहा, पूरे दुनिया के लिए कहा, इसको मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन में पिरोया है वसुधैव कुटुंबकम की बात को, अशोक ने कहा कि पूरी वसुधा है परिवार हमारा, पूरी वसुधा है परिवार हमारा, पुत्र वत्त व्यवहार हमारा, सत्य धर्म और मात पिता और दासों का सम्मान हो, सत्य धर्म और मात पिता और दासों का सम आदर हो, समता हो व्यवहार सभी का, ऐसा जन मन बना दिया, सब तो केवल कहते थे तुमने करके दिखा दिया, सब तो केवल कहते थे तुमने करके दिखा दिया। अब ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात होगी, अब ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो, अब परधानी की बात नहीं, अब राजधानी की बात करो, परधानी की बात नहीं, अब राजधानी की बात करो, विश्व विजय तो किया ही तूने, धम्म विजय भी तेरी है, विश्व विजय भी किया ही तूने, धम्म विजय भी तेरी है, और अंधकार युक्त इस दुनिया में धम्म ज्ञान की ज्योति जला दिया, सब तो केवल कहते थे तुमने करके दिखा दिया, सब तो केवल कहते थे तुमने करके दिखा दिया। तो हम उस पूर्वजों के अनुयायी हैं जिन पूर्वजों ने कहा नहीं, इसको डॉक्टर साहब ने कहा कि सोच जो अच्छे विचार देता है वो भी महान हो जाता है, भले उसके दुष्कर्म हो, दुष्कर्म हो तो विचार देने वाला भी महान हो गया, अच्छे विचार लिखने वाला भी महान हो गया, लेकिन दुनिया में ऐसे सम्राट अशोक अकेले हैं जिन्होंने आचार दिया भी, लिखवाया भी, और उसे करके दिखाया भी, और उसके बाद उसकी समीक्षा भी किया कि लोगों ने इसका अनुकरण किया कि नहीं किया, और चिट्ठी कैसा लिखवाया, जब पत्र लिखवाया तो भोज पत्र पे नहीं लिखवाया, इसमें भी हद कर दी, इसमें भी हद कर दी, कोई कागज नहीं, कोई भोज पत्र नहीं, लोहे की कलम से पत्थरों के पन्ने पर लिखवाया, ताकि हम रहे न रहे ये विश्व विजय का एहसास हमारी आने वाली पीढ़ियों को होता रहेगा, इतना चिरस्थाई शिलालेख, इतनी बड़ी दूरदर्शिता थी। लोगों ने झूठे किस्से कहानी तो बनाए, लेकिन ये किस्से कहानी अमर कैसे रहेंगे, ये खोपड़ा में नहीं आया, तो सोचिए आज जो आप सोच नहीं पा रहे हैं, सम्राट अशोक
आज से 2000 साल पहले इस बात को सोच रहे हैं, यहां खड़ा होकर सोचिए। आज आप जो सोच रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात है, 2000 साल पहले की ये बात है, उस समय जब वास्को डिगामा को पता भी नहीं था कि भारत कहां है, उस समय वास्को डिगामा को पता भी नहीं था कि भारत कहां है, उस समय हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। बात समझ आ रही हमारी? जब वास्को डिगामा मोहताज था, खोज रहा था कि भारत कहां है, उस समय भारतवर्ष के लोगों का संबंध यूनान से, दुनिया के देशों से, व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, धार्मिक संबंध और वैवाहिक संबंध भी थे। वैवाहिक संबंध ने किया, क्योंकि सबसे पहला दुनिया में इंटरनेशनल मैरिज करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ही था, और कौन था। तो कहीं भी आपके पूर्वजों ने सिर्फ हद कर दी है, हम लोग हद को पार नहीं कर पा रहे, हम हद के अंदर हैं, इसलिए हमको इस चीजों को सोचने की जरूरत है। और जिस दिन सम्राट अशोक और तथागत की बात को लेकर आप संसार में चल पड़ेंगे, जो कुछ भी आपके साथ उल्टा पुल्टा विरोध हुआ है वो सिर्फ भारत में हो रहा है। आज चीन क्यों लेकर घुटना टेक खड़ा करा, बंदूकें लेकर क्यों खड़ा है? चीन कल बंदूकें रख देगा, लेकिन पहले बताओ तो कि मैं गौतम बुद्ध का मैं गुरु हूं, तुम मेरा चेला हो। तो चेलों को पता है कि भारत मेरा गुरु है, लेकिन गुरु को पता ही नहीं कि हम उसके गुरु हैं। तो गुरु का व्यवहार हमेशा गुरु की तरह होना चाहिए। तो जिस दिन सम्राट अशोक और बुद्ध का अनुयायी ठीक से देश हो जाएगा, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, विश्व के लगभग 67 देश जो तथागत के अनुयायी हैं, भारत के मित्र राष्ट्र हो जाएंगे, भारत के मित्र राष्ट्र हो जाएंगे। इतना इंटरनेशनल फिनोमिना आपके समाज में घट रही है, इतना इंटरनेशनल थॉट आपके समाज में घट रही है, और इसके संरक्षक, इसके संरक्षक, इसके प्रवर्तक, इसके संवाहक हम लोग हैं, और हम अपने को समझते क्या है। और इसी पूरे थीम पर भारतीय संविधान की रचना की गई है। भारतीय संविधान तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के विचारों का दस्तावेज है। जो भारतीय संविधान है वो तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के विचारों का दस्तावेज है। तो कम से कम बढ़िया संविधान बना नहीं सकते, तो जो संविधान हमारे पास है उसकी सुरक्षा तो हम कर ही सकते हैं। इसीलिए कहीं से भी संविधान की उल्लंघन हो, संविधान की उपेक्षा हो जाए, राष्ट्रीय प्रतियों की उपेक्षा हो जाए, तो हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं, हम सिर्फ गर्व से कहने की ताकत रखें कि हम गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय हैं। क्योंकि भारतवर्ष में हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, लेकिन भारतीयों का अभाव हो गया है, भारतीयों का अभाव हो गया है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश को चलाने के लिए धर्मनिरपेक्ष दिमाग भी होना चाहिए। तो भारतवर्ष का संविधान निरपेक्ष है, लेकिन इसके संचालक धर्मनिरपेक्ष नहीं है। नाचे नावे आंगन टेढ़ा, नाच नहीं आते तो कहते हैं संविधान ही गलत है। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, प्रेशर पे प्रेशर है, और दिल्ली का प्रेशर तो डर के मारे बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ यहां से घटेगा पूरे गांव में चला जाएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा ना कहते हुए अपने मंच पे बैठे हमारे विद्वान प्रोफेसर दिग्विजय नाथ जी, और अध्यक्षता कर रहे हमारे राजेश कुमार जी, और पिता तुल्य हमारे रिटायर्ड आईएएस महतो जी, और हमारी रेखा सिंह जो हमारे बाहर से आई, हमारे परिवार से हैं, सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए, और आप सभी लोगों का संग्रामी अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जिस संस्था के तहत आप यहां बैठे हुए हैं, इसका कोई भी आदमी अगर आपके पीछे जाता है तो उसको धार्मिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जम के सहयोग करिए, क्योंकि धर्म दान तभी जब चलेगा जब धन का दान होगा। और निश्चित रूप से एक एक पाई उस स्थान पर लगेगी, क्योंकि हम लोग सम्राट अशोक के अनुयायी हैं, तो हमारे कार्यों से, हमारी कार्यशैली से अशोक का संतति होना झलकना चाहिए, झलकना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि चरित्र और सील में ही अंतर है, चरित्र और सील में ही अंतर है कि चरित्र, इसीलिए दुनिया के सारे संतों ने चरित्रवान बनो कहा, लेकिन तथागत ने सीलवान बनो कहा। चरित्रवान और सीलवान में क्या अंतर है? चरित्रवान उसे कहते हैं जो डर के मारे करना नहीं चाहता, लोग क्या कहेंगे, अवसर मिले तो छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ही संत गिरफ्तार हुए हैं, अवसर मिला तो छोड़ा नहीं, संत भी बना रहा, कितना बड़ा चरित्रवान है, कितना बढ़िया चरित्रवान है, जो अवसर मिला तो छोड़ा नहीं, ऐसे लोग चरित्रवान कहलाते हैं। चरित्र जिसको डर के मारे छुपाना पड़े, लोगों के डर से छुपाए रखना पड़े, मेंटेन रखना पड़े, उसे चरित्र कहते हैं। और सील, रास्ते में पैसा गिरा है, चरित्रवान क्या करेगा, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है,
नहीं देखता उठा लेगा फट से, क्योंकि चोर उसे नहीं कहते जो चोरी करता है, चोर उसे कहते हैं जो चोरी करते पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा गया तो बढ़िया आदमी है। चोर उसे नहीं कहते चोरी करता, चोरी पकड़ा जाता है तो कोई देख लिया, कोई नहीं देख रहा तो पैसा ले लिया, तो हमारा चरित्र बचा रहा कि नहीं बचा रहा? तो क्या मैं ईमानदार हूं बाय नेचर? नहीं, चरित्रवान हूं, ईमानदार नहीं हूं, चरित्रवान हूं, क्योंकि लोग मुझे देखे नहीं है। और सीलवान, पैसा रास्ते में गिरा है तो मेरा है ही नहीं है, वो पैसा मेरा है ही नहीं है, मेरे पॉकेट के पूरे पैसे हैं तो जो गिरा वो मेरा है ही नहीं, तो क्यों लेना? अदिन दाना बेरमणि, जो किसी का दिया हुआ नहीं है, जो किसी ने दिया ही नहीं वो मेरा है ही नहीं है, तो ऐसा पैसा मैं क्यों लूं? तो जो मेरा नहीं है उसको मैं नहीं लूंगा, ये सील है, ये सील है। कोई औरत रास्ते से जा रही है, कोई नहीं देख रहा है तो छेड़ दूं, ये चरित्र है, छेड़ दूं, कोई नहीं देख रहा तो छेड़ दूं, ये चरित्र है। और वो महिला मेरी बहन की तरह है, एक महिला है, एक बहन हमारी है, चाहे किसी की बेटी हो, ये गलत काम है, मुझे नहीं करना चाहिए, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, यही सील है। और इसी सील को हमने भंग कर दिया तो भारत अश्लील हो गया, उसी का रिजल्ट आज भारत में देख रहे हैं, रोडों पर दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हुए अभिनंदन स्वागत करता हूँ, और माँ तो बहनों का भी अभिनंदन करता हूँ कि आप बोल्ड हो, मजबूत हो और समाज में लड़ने की क्षमता पैदा कर, क्योंकि तेरी अस्मिता तेरे हाथ में है, अगर तू नहीं बचा सकती तो तेरी अस्मिता कोई दूसरा नहीं बचा सकता, क्योंकि आज बेटी न थाने में सुरक्षित है, न जज के यहाँ सुरक्षित है, न डॉक्टर के यहाँ सुरक्षित है, न संत के यहाँ सुरक्षित है, न राजनेता के सुरक्षित है, भाग के जाएगी कहाँ? इसलिए अपना दीपक स्वयं बन और अपने आंदोलन को खुद खड़ा कर, क्योंकि बिल्ली कभी चूहों के लिए उचित कानून नहीं बना सकती। इन्हीं चंद बातों के साथ अभिनंदन स्वागत करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बुद्ध, जय शोक, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में यह पहला प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में हम लोग इतना टाइम हमारा इतना तेज गति से चल रहा है कि कार्यक्रम हमारा पीछे हो गया है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलते हुए, एक बच्ची है छोटी सी, वो अपना छोटा सा एक वक्तव्य देना चाहती है, पांच सात मिनट का हो सकता है, प्रेमलता शाक के। नमो बुद्धाय। आप सभी को, मैं महामानव विश्व गुरु भगवान बुद्ध तथा सम्राट अशोक महान को नमन करते हुए तथा यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के विषय बिंदु पर अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। यह सिर्फ मेरा विचार नहीं है, यहाँ पर उपस्थित मंच पे बैठे सभी अतिथिगणों तथा विश्व इतिहासकारों तथा विद्वानों का विचार है। सम्राट अशोक महान भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में एक असाधारण और महान सम्राट के रूप में विख्यात हैं। अपने उच्च राजनैतिक आदर्शों, सिद्धांतों, नैतिकता, दयालुता, न्यायप्रियता, वीरता, सहिष्णुता, प्रजावत्सलता, धर्म विजय, कला, संस्कृति जैसे सेवा कार्यों द्वारा विश्व विख्यात हुए। सम्राट अशोक महान ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य तथा अपने पिता बिंदुसार के साम्राज्यिक नीतियों को आगे बढ़ाते हुए तब के भारत को न सिर्फ राजनीतिक एकीकरण की परिनीति तक पहुंचाया, बल्कि कई जातों, वर्गों, पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले जंगली आदिवासी जातियों, आटविकों को मुख्य धारा में शामिल किया। यह सिर्फ राजनीतिक एकीकरण नहीं था, बल्कि जाति, समुदाय, अमीर, गरीब, अगड़े, पिछड़े सभी का एकीकरण था। इन्हीं पहलुओं के संदर्भ में उन्होंने अपने सांस्कृतिक भूमंडलीकरण की नीति को आगे बढ़ाया। भारत में मौर्यों ने सर्वप्रथम एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। कश्मीर और कलिंग विजय के पश्चात अशोक का साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत से लेकर सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जहां केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा इस साम्राज्य को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया, वहीं सम्राट अशोक महान ने नई धम्म नीति के द्वारा साम्राज्य को एकता और नैतिकता के सूत्र में पिरोया। यह युग भारत के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। साथ ही अपने अभिलेखों, कलाकृतियों, धर्म, साहित्य, शिल्पकला में श्रेष्ठता के जिस शिखर को छुया,
उसका उदाहरण भारत ही नहीं विश्व इतिहास में अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता है। अशोक की महानता जानने के लिए सबसे प्रथम हमें उनके आदर्शों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक शासक का यह मूल कर्तव्य होता है कि वह प्रजा रक्षण, प्रजा परिपालन तथा प्रजा का योगक्षेम का संवर्धन करे। इस कसौटी पर अगर अशोक महान को कसा जाए तो वह इस पर 100% खरा उतरते हैं। प्रियदर्शी, सम्राट अशोक महान के कार्यों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने चिकित्सा का प्रबंध किया, मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के लिए मार्गों में कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए, धर्मशालाओं पानशालाओं का निर्माण करवाया, आधे कोस में कूप खुदवाए और पशु मनुष्यों के परिभोग के लिए आम्र वाटिकाएं लगवाई। यह सब सुकार्य सम्राट अशोक ने केवल अपने राज्य में ही नहीं बल्कि समीपक्ष राज्यों तथा सुदूरवर्ती यवन राज्यों में भी किया था। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है कि उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम तथा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उच्च आदर्श को जहाँ तक हो सका कार्य रूप में परिणित किया, क्योंकि सम्राट अशोक राजा और प्रजा के बीच के संबंध को पिता और पुत्र के बीच के संबंध की भांति मानते थे। सम्राट अशोक महान ने अपने साम्राज्य में जीव हिंसा का भी निषेध किया, इसलिए उन्होंने अपने लेखों में अहिंसा भूताना तथा प्राणाना अनारंभों का आदेश बार बार दिया है। इसी सिद्धांत के कारण उन्होंने विहार यात्राओं के स्थान पर धम्म यात्राएं चलवाई, समाजों का भी होना बंद कर दिया, क्योंकि इनमें विविध प्रकार के खेल कूद तथा गाने बजाने के अतिरिक्त हिंसा अधिक होती थी और मांस का वितरण लोगों में खूब होता था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके राज्य काल में अहिंसा परमो धर्म का मनोहर निनाद चारों तरफ गुंजा। अशोक की ख्याति तथा महत्ता का एक कारण यह भी है कि उन्होंने अपने राज्य की नीति का पथ बिल्कुल बदल दिया। उनके पूर्व प्रायः सभी मगध के राजाओं ने अपनी विजय पताका चतुर्दिक फहराने का प्रयास किया था, किंतु कलिंग के भयंकर युद्ध की भीषणता तथा क्रूरता ने उनके हृदय पर भारी आघात पहुंचाया और उनका हृदय परिवर्तन हुआ तथा उसके पश्चात भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष और रण विजय के स्थान पर धम्म विजय को अपने शासन की नीति का आधार बनाया। अशोक ने जिस धर्म को धम्म कहा है वह ऐसा सार्वभौम धम्म है जिसका आधार नैतिकता, सदाचार तथा शील है। उन्होंने जिस धम्म का सदुपदेश दिया है उसको वह सबको ग्राह्य था और उससे हम सम्राट अशोक की उदारता तथा दूरदर्शिता का पूर्ण परिचय मिलता है। वह दया, सत्य, सोच, मृदुता, साधुता, संयम, भाव, शुद्धि, कृतज्ञता, शील, समाधि और प्रज्ञा आदि सद्गुणों का अपनाने के लिए मनुष्यों को प्रेरित किया, जो सभी धर्मों की संपत्ति तथा सार है। इस प्रकार उनकी प्रजा में एक नए जीवन का संचार हुआ और चारों ओर अहिंसा, प्रेम और दया की दुदुम्बी सुनाई पड़ी। उनके अथक परिश्रम और उत्साह प्रयास से धम्म विजय की भजंती विदेशी भवनों में भी बजी और भारतवर्ष में एक उच्च आदर्श अपनाया। परिणाम स्वरूप धम्म विजय के अशोक के अभियान को न केवल उनके विजित साम्राज्यों में सीमांत प्रदेशों में वरन उन भागों में भी सफलता प्राप्त हुई जहां यौवन, कम्बोजो, गांधारो, नाभको, राष्ट्रको, भोजो, आंध्रो एवं परिंदों का निवास था। यही नहीं, अशोक के धर्म विजय की पताका मौर्य साम्राज्य की सीमाओं के बाहर सुदूर दक्षिण भारत में वरन भारत से 600 योजन की दूरी तक यूनानी राज्यों सीरिया, मिस्र, मेसिडोनिया, सिरीन तथा कोरिथ के साम्राज्य में के भीतर भी फहराई। इस तरह उन्होंने सांस्कृतिक भूमंडलीकरण की नींव विश्व इतिहास के पटल पर रखी। आज संसार में शांति स्थापना की समस्या बहुत जटिल प्रतीत होती है, निशस्त्रीकरण की समस्या बहुत जटिल साबित हो रही है, किंतु सम्राट अशोक महान ने एक ही क्षण में दृढ़ निश्चय से घातक अस्त्र शस्त्रों का नितांत बहिष्कार कर दिया और सीमांत जातियों और छोटे छोटे राज्यों को भी विश्वास दिलाया कि वह उनको लेस मात्र भी हानि नहीं पहुँचाएंगे। इसके कारण पारस्परिक द्वेष व
भय का लोप हुआ और सर्वत्र शांति व सुख की स्थापना हुई। अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी अशोक का यह शांतिमय संकल्प निस्संदेह उनकी महानता को का एक ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि एक युद्ध विजय द्वारा वह जितने लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते थे उससे भी कई गुना अधिक लोगों का हृदय उन्होंने धम्म विजय द्वारा जीता। अंत में मैं यही उन्होंने जीवन की मौलिकता का संदेश दिया, जीवन के सार्वभौम सत्य को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें मानव के अधिकार, मानव के कर्तव्य एवं मानवीय पहलुओं को आम जन तक पहुंचाया। इस तरह उन्होंने भारतीय संस्कृति को, परंपराओं को विश्व के सांस्कृतिक भूमि से जोड़ा। यही वजह रही है कि आज भारत के विदेश नीति का आधार स्तंभ गौतम बुद्ध के पंचशील तथा अशोक के विश्व शांति विश्व बंधुता के जियो और जीने दो की नीति पर आधारित है। आज की दुनिया के कई देश हमारी संस्कृति से जुड़ाव रखते हैं, जिससे आपसी सौहार्दता बढ़ती है और इसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपना वक्तव्य खत्म करना चाहूँगी। जिस प्रकार ताप में सूर्य, शीतलता में चंद्रमा, प्रवाह में वायु, पवित्रता में अग्नि और गहनता में समुद्र से श्रेष्ठ कोई नहीं है, उसी प्रकार विश्व भर के राजाओं, महाराजाओं, सुल्तानों, बादशाहों और सम्राटों में अशोक महान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। धन्यवाद। जय भारत। इसके बाद मैं इस बच्ची को भूरी भूरी में प्रशंसा करता हूं कि इसने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और ये बुद्ध संस्कृति पर ये एमफिल कर रही है, तो उसे कुछ हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग उसे प्रमोट करें। और मैं हम किन शब्दों का इस्तेमाल करें, जो दान हमारे पूज्य भंते शिवली जी जो श्रीलंका से लेकर के आए हैं वो हमें देने जा रहे हैं। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और भंते जी को हम आमंत्रित करते हैं। और सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग खड़े होकर के, क्योंकि कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, हमारे महान अतिथि पूज्य भंते शिवली जी आप लोगों को वह धर्म का दान देने आ रहे हैं जिसे कभी सम्राट अशोक महान ने उन्हें भेजा था। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पूजनीय बंतेगा सभा के उपस्थित सभी प्रवक्तागण, आए हुए सभी उपासक एवं उपासिकाएं, सभी धर्म बंधु, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर सच्चिदानंद जी, जिसने मुझे निमंत्रण दिया इस कार्यक्रम के, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सम्राट अशोक क्लब परिवार दिल्ली, राजेश कुमार मौर्य जी और भगवान जी भगत
राजेश कुशवाहा जी, जिन्होंने बहुत प्रयास मेहनत करके इस कार्यक्रम को संपादित किया है और आयोजन किया है। आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इतने देर बहुत सहनशील थे, सबका बात सुन के और आनंद हो रहे हैं। आज ऐसी महत्वपूर्ण अवसर है, आज के 2275 वर्ष के पहले उन महापुरुष सम्राट अशोक ने सबसे पहले अपने हृदय को परिवर्तन किया। फिर शायद शुरू में उनके जीवन, आप सभी सब कुछ जानते हैं कहानी, अभी सुबह से आप लोग सभी इतिहास सुन रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा उसी चीज़ को वापस दोहराना नहीं चाहता हूँ। उनके सम्राट अशोक के बारे बहुत कुछ आप लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं बहुत कुछ। ऐसा महापुरुष, सम्राट अशोक जैसा मैं मानता हूं, वो एक बोधिसत्व है। उनके अंदर सब बोधिसत्व के जो गुण है, बोधिसत्व जिसको कहता है जो सच खोज में जो निकले, उन्हीं को बोधिसत्व कहते। तो बोध में निकले, बोध की खोज में निकले, जिस दिन तलवार से जो लड़ाई, खून बहावा सब कुछ देख के उन्होंने थक चुके पूरा, आखिरी में उनके जो कालिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक जिस दिन युद्ध से वापस लौटे, कोई नींद नहीं आती, कई दिन तक सो नहीं पाते थे, स्वप्न में आए लोगों का चिल्ला चिल्ली और जो लोग मारे गए इनके पूरा वेदना संताप, उसी चिंता में सम्राट अशोक सो नहीं पाते थे कई दिन तक। और बहुत सारे धर्म गुरुओं को बुलाया था, पंडित को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। सम्राट अशोक बहुत चिंता में, मैंने क्या किया, जीत तो लिया, सम्राट तो बन गया, लेकिन नींद नहीं आती। तब सम्राट का क्या मतलब, जो सम्राट भी बने उनको एक दिन ठीक से शांति से नींद नहीं आती, वो सम्राट का क्या महत्व है। इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, इस सम्राट से हमको शांति नहीं मिल, तो उस सम्राट का क्या महत्व। जिस सम्राट से आप जितने महल बनाओ, इतने बड़े बड़े मंदिर घर बनाओ, उस मंदिर के अंदर शांति नहीं, उस घर के अंदर शांति नहीं, संतुष्टि नहीं, वो तो पत्थर हो जाए, वो ईटा पत्थर। घर का सुंदर क्या है, ईटा पत्थर नहीं है। घर की सुंदर है आपके अंदर जो सुंदरता, आपकी दिल की सुंदरता, आपकी विचारों की सुंदरता, आपकी भावनाओं की सुंदरता, यही है घर की सुंदरता। मंदिर में भगवान है पत्थर, मंदिर में पूजा पाठ होते हैं, लेकिन वहां
भगवत्ता नहीं दिखाई पड़ रही, धार्मिक खता तो बहुत हो रहा है मंदिर में, लेकिन वहां धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता के ऊपर बहुत खता चल रहे हैं, धार्मिकता के ऊपर बहुत पाठ हो रहा है, लेकिन वहां धार्मिकता नहीं। इस हाल सम्राट अशोक को हुआ था उस रात, कई दिन पाठ तो पढ़े पंडे लोग, ब्राह्मण लोग पूजा बहुत किए, तब भी इनको नींद नहीं आया। फिर एक दिन छोटा बच्चे छोटा बंते को रास्ते में चलते हुए देखा, उनके शांति स्वभाव सब देखे कि मन मोहित हो, इनको घर बुलाए, वापस मंदिर में बुलाए, फिर बातचीत हुई, थोड़ा सा हल्कापन हो गया अपने मन को, चिंताओं को, भावनाओं को। धीरे धीरे सम्राट अशोक धर्माशोक के की ओर, धर्म की रास्ता की ओर चल पड़े, एक युग शुरू हो, एक युग परिवर्तन हो, एक नए समाज, एक नई दिशा विश्व को मिल गया, एक नई किरण मानवता को मिल गया, जब से सम्राट अशोक के परिवर्तन शुरू हो गया। उसमें धर्म क्रांति नहीं, धर्म परिवर्तन हम कहा जाना उचित समझे, इसीलिए क्रांति में थोड़ा बहुत, उसमें थोड़ा बहुत है एग्रेसिव, लेकिन परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन धर्म परिवर्तन, सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन किया। आज मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, इसलिए धन्य समझता हूं कि जो छिन्न भिन्न हुए कई सालों के बाद, शायद एक परिवार दूसरा परिवार से मिलने का जो मौका मिला है। हम लोग जन्म तो श्रीलंका में है मेरा, लेकिन हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा सब कुछ जो मिला सम्राट अशोक के द्वारा ही मिला। इसलिए मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं पूरे श्रीलंका की तरफ से। आज भी श्रीलंका में आज भी उनको हमारा देश की राष्ट्रपिता के नाम से सब लोग जाना जाते हैं। एक श्रीलंका जो भी कुछ है उनके दिया हुआ सब, अगर महामहिंद्र बनते ने श्रीलंका में नहीं जाते, उनके बेटा महामहिंद्र जी और संगमित्रा जी ने श्रीलंका में नहीं जाते, शायद अब तक हम लोग बहुत जंगल में या दूसरी रास्ते में हम लोग इस धर्म के रास्ते में नहीं आ सकते। जो मिला इसके लिए सदा से उनको हम सब उनके प्रति बहुत बहुत आभार है। और आप सब उनके परिवार के हैं, सब बहुत खुशी हैं आप सबके साथ मिलने के जो मौका मिला है। इसलिए हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद जी ने पहली बार हमको लास्ट ईयर में शायद लटिया महोत्सव में हमको ले गए, खास करके हम जाना नहीं चाहते पब्लिक मीटिंग में, इसलिए बहुत सारी राजनीति है की बात हो रहा है मीटिंग में, बहुत सारे धर्म की बात बहुत कम हो रहा है, धर्म के नाम है लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ है। इसलिए आज जो धर्म
के नाम से बहुत अधर्म हो रहा है इस देश में, धर्म के नाम से, इसलिए हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते। तो वो हमने डॉक्टर सच्चिदानंद जी को भी कहा है पहले, उन्होंने ये बात भी समझ के इसलिए दूसरे कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया, इससे जो कार्यक्रम में बुलाया जैसे बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आज बहुत खुशी हूँ, आपका जो प्रयास है बहुत सफल है, आप सबका मेहनत बहुत संपन्न है, ऐसे होना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम तो धार्मिक हो, राजनीतिक कार्यक्रम तो राजनीतिक हो, दोनों साथ साथ चलने का क्यों प्रयास करें, वो कभी असंभव है, वो नहीं हो। बहुत लोग प्रयास किया है इस देश में दोनों, वो तो हम नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत लोग राजनेताओं ने प्रयास किया है साथ साथ चलने का, यहां भी बचाए उसको भी बचाए, नहीं दोनों से नष्ट हो जाएगा अगर ऐसे कोई प्रयास करेगा तो, ये दोनों में पतन होगा, दोनों की पतन, यही तो हुआ इस देश में। सम्राट अशोक के समय इस देश विश्व में एक महान धार्मिक गुरु या आध्यात्मिक गुरु, विश्व आध्यात्मिक गुरु इस देश का पहचान था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और आपका विक्रमशिला, ये कहा सम्राट अशोक के दिन, बुद्ध गया स्तूप, ये सब उन्हीं के दिन, जितने शिलास्तंभ, अशोक चक्र, अशोक चक्र अपने आप पूरा विश्व को एक धार्मिक और ज्ञान की प्रतीक है, अशोक चक्र पूरा विश्व के लिए, ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये अशोक चक्र, इसको कहता है धर्म चक्र। बुद्ध ने जो सारनाथ में पहला उपदेश बुद्ध का सारनाथ में हुआ था, जो धम्म चक्र पौर थे, बुद्ध ने उसमें कहता है पाली में अप्रतिवत्यं, बुद्ध कहता है एक शब्द अप्रतिवत्यं समनेनवा ब्राह्मणेनवा देवेनवा मारेनवा ब्रह्मणावा खेनचिवा लोकस्मि। इसका अर्थ ये जो धर्म चक्र मैंने चलाया सारनाथ में, बुद्ध कहते हैं जो धर्म चक्र, धम्म चक्रम पवत्तितं, बुद्ध कहते हैं धम्म चक्रम पवत्तितं अप्रतिवत्यं समनेनवा ब्राह्मणेनवा देवेनवा मारेनवा ब्रह्मणावा, इस धर्म चक्र को पुनः जो मैंने चलाया है उसको वापस कोई नहीं चला सकता दोबारा, इसको वापस नहीं चला, इसको रिटर्न नहीं कर सकते कोई, जो मैंने शुरू किया मैंने चलाया वो चलते रहेगा पूरा विश्व में, वो चलते रहेगा जब तक मानवता ये चलते रहेगा। यही तो हुआ है बुद्ध के धर्म के साथ इस देश में, कितने लोग प्रयास किया है बुद्ध के जो धर्म को खत्म करने के लिए, इस देश से नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया है, बहुत अन्याय हुआ बुद्ध के साथ, बुद्ध के संदेश के बहुत बड़ा अन्याय हुआ, यही भारत के सबसे बड़ा पतन के कारण था, जो उनके साथ जो भूल हो गया, उनको पहचानने में समझने में भूल हो गया लोगों को, यही यहां से उनको बुलाया लेकिन वहां से उनको स्वागत किया हम लोग बाहर साफ, वहां से स्वागत, पूरा विश्व स्वागत किया, यहां से इनकार किया लेकिन हम लोग सब उनको स्वीकार किया, फूल फूल देख के स्वीकार किया, इसलिए मैंने फूल इधर लेके आए, बता हम लोग